आज देश में गरीबों को सम्मान भी मिल रहा है और सुरक्षा भी, अधिकार मिल रहे हैं और योजनाओं का लाभ भी। जहां पहले गरीबों और वंचितों के अधिकारों को हाशिए पर रखा जाता था, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊर्जावान नेतृत्व में केंद्र सरकार अंत्योदय के लक्ष्य के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के मंत्र को आत्मसात कर मोदी सरकार गरीब कल्याण व गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य के साथ कई महत्वपूर्ण योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रही है, जिनके परिणाम स्वरूप आज देश का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका सुनिश्चित कर रहा है। लेकिन आज देश में जो सरकार है वो गरीब की सरकार है, इसलिए वो गरीब को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती और इसलिए आज देश की नीतियों के केंद्र में गरीब है, आज देश के निर्णयों के केंद्र में गरीब है। पहले जहां देश के जरूरतमंद नागरिक बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित थे, वहीं आज उन्हें मोदी सरकार में संबल प्रदान हुआ है। पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्के मकान मिले, जिनमें से 70% घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है। जल जीवन मिशन से हर घर नल से स्वच्छ जल पहुंचा। गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मिला। उज्ज्वला योजना से परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिले। सौभाग्य योजना से गरीब परिवारों के घर रोशन हुए। गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा भी मिले। देश का गरीब भी रोजगार और स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर सके, इसके लिए मोदी सरकार में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई। मुद्रा योजना से वे युवा प्रोत्साहित हुए जो अपना उद्यम स्थापित करना चाहते थे, उन्हें आसान शर्तों व कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया गया। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से बिना गारंटी लोन मिलने से रेहड़ी पटरी वालों को कारोबार करने में आसानी हुई। आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टैंड अप योजना शुरू की गई। जीवन के अंतिम पड़ाव वृद्धावस्था में सम्मान पूर्वक जीवन यापन हो सके, इसके लिए मोदी सरकार में शुरू की गई अटल पेंशन योजना। एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना आरंभ की गई। इसके माध्यम से गरीब परिवारों को मुफ्त व बेहतर इलाज की सुविधा मिल रही है। गरीबों की अमीर के बलबूते ये टीम इंडिया आगे बढ़ेगी, ये मेरा विश्वास आज प्रकट हो रहा है। अंत्योदय के मंत्र के साथ पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों से आज भारत का गरीब वर्ग भी आत्मनिर्भर बनकर नव भारत के निर्माण का साक्षी बन रहा है। लक्ष्य गरीब कल्याण का, नए भारत के निर्माण का।